अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नोटपैड का फर्स्ट पेज ड्रा करेंगे पावर पॉइंट में। ये F5 से आप देख सकते हैं कितना स्मूथली और कितना खूबसूरत लग रहा है एक पेज जो हमने ड्रा किया हुआ है नोटबुक का। इसके अंदर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने स्कूल का नेम भी लिख सकते हैं या इसके बैकग्राउंड के ऊपर लोगो भी लगा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी बैकग्राउंड पर लोगो भी लगाऊंगा, स्कूल का जो फ्रंट साइड पर राइट साइड पर लोगो लगाएंगे और साथ में क्या करेंगे टीचर स्कूल का नाम लिखेंगे। एस्केप करते हैं, कंट्रोल लाइन से न्यू स्लाइड ओपन करते हैं। पावर पॉइंट में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड ओपन होती है वो आपके पास होती है लैंडस्केप। हम इसे सबसे पहले डिज़ाइन फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे स्लाइड के साइज़ पे कस्टम साइज़ में जाएंगे और यहाँ से जाके करेंगे क्या पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसे चेंज कर लेंगे A4 साइज़ में। प्रेस ओके करेंगे और इसे मैक्सिमाइज कर देंगे। कंट्रोल ए से बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम इजीली इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमारे पास टेबल आएगा। टेबल से हम जितनी भी रो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती सेलेक्ट होती हैं 1/8 टेबल का वो ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद हम इसे क्या करेंगे इसके डिज़ाइन फेज में जाएंगे और जाके जो बाय फेज सॉरी है इसका ये करेंगे बिल्कुल जिसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए कुछ भी ना हो बैकग्राउंड वगैरह। और यहाँ से हम बॉर्डर में जाएंगे और बॉर्डर में जाके करेंगे इनसाइड बॉर्डर। ठीक हो गया, इनसाइड बॉर्डर हमारे पास आ गया। अब हम फिर इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद जो इसकी विड्थ है वो हम इसे करेंगे 19 सेंटीमीटर, जिससे क्या होगा वो पूरे पेज के ऊपर इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। ये ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दिया हमने वो रेड लाइट के लिए। यहाँ से ला के हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं हम इसकी विड्थ जो है तो हम यहाँ से जाके इसकी सॉरी हाइट जिसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं हम 90 सेंटीमीटर कर देते हैं ताकि लिखने में ईजी हो जाए। ठीक हो गया, अब यहाँ से हमने मज़ीद जो अगर रोज़ ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ से जाके टैप प्रेस करते जाएंगे और हमारे पास देखे जहाँ तक हमारा पेज एंड नहीं होता उतनी देर हम क्या करेंगे अपनी रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से रोज़ कंप्लीट होने के बाद मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद हमारे पास जो रेड लाइन है जो हॉरिजेंटली और वर्टिकल हमने जो ड्रा करनी है वो ड्रा कर लेंगे। यहाँ से हम फिर इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हमारे पास ये शेप है, शेप में हम एक लाइन लेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट के ऊपर होल्ड करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और इस लाइन की जो है आउटलाइन को रेड कलर कर देंगे और इसकी थोड़ी सी जो शेप है वो इसको इंक्रीज़ कर देंगे विड्थ को 1.25 पे। कंट्रोल डी डुप्लीकेट करेंगे और इसे बिल्कुल इसके साथ क्या करेंगे मर्ज कर देंगे। ठीक हो गया, ये मर्ज बिल्कुल साथ होगी। थोड़ा सा मसला भी है तो वैसे भी। अब एक और हमने लाइन ड्रा करनी है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होगी। वर्टिकल करने के लिए फिर हम इंसर्ट में जाएंगे तो शेप से जाके एक लाइन ड्रा कर लेंगे और इसे हम कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से अप से डाउनवर्ड करेंगे। सेम जो प्रोसीजर हमने पहले डोप किया था कलर चेंज करने का, कलर चेंज करेंगे और इसकी जो हाइट वो हम 1.5 कर देंगे और कंट्रोल डी डुप्लीकेट के साथ करके उसे थोड़ा सा इसके साथ यानी कि इसके क्लोज कर देंगे। ये देखें हमारे पास ये क्या हुआ, इसका डिज़ाइन फेस कंप्लीट हो चुका है। इसे F5 प्रेस करके इसका डिज़ाइन कंप्लीट चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास इसका जो डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, छोटा सा जिसके अंदर हम लिखेंगे पेज और डेट। इसकी ज़रा खूबसूरती के लिए मैं वो डायगोनल शेप वाला हम ले लेते हैं ताकि इसके अंदर ज़्यादा खूबसूरती आ जाए, राउंडेड रेक्टेंगल। राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट डबल कोलन और साथ में हम क्या करेंगे फुल स्टॉप को एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पेज डबल कोलन और कोलन के साथ हम क्या करेंगे इसे कर देंगे कंट्रोल एस प्लस करेंगे। इसके जाएंगे होम पे जाएंगे और हम इसको क्या करेंगे राइट साइड पे कर देंगे और हम इसका क्या करेंगे
फॉर्मेट में जाके दोबारा से हम क्या करेंगे, जो शेप की फिल शेप है नो फिल करेंगे, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इसे रेड में कन्वर्ट कर देंगे और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, और जो आउटलाइन है, जो इस शेप की आउटलाइन है, हम इसे भी कन्वर्ट कर देंगे, या तो हम आप उसे ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे रेड में करते हैं, लेकिन रेड में ज़्यादा खूबसूरती आ रही है, ये रेड में कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से इसे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि ये हमारे पास पेज की खूबसूरती रहे, और इसे थोड़ा सा रोटेट भी कर देंगे। ले जी, F5 प्रेस करें और आपकी भी आज का हमारा नोटबुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय देना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उतनी देर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।